नमस्कार दोस्तों, बरेली गांव का स्वागत है। मैं विकास, आइए डालते नजर आज के समाचारों पर, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। थाना मीरगंज पुलिस ने पकड़ी देसी तमंचा बनाने की एक फैक्ट्री। पुलिस ने एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी मौका पाकर फरार हो गया है। पुलिस इस मौके पर घटनास्थल से 3 देसी तमंचे, देसी 315 बोर, एक तमंचा बना 12 बोर तथा नए शस्त्र बनाने तो 9 नाल 12 बोर व 315 बोर की नालें बरामद की है। इसके साथ ही हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया, सर मीरगंज पुलिस के द्वारा एक अवैध शस्त्र की जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, सर जो असला पकड़ा गया है, कहाँ से पकड़ा गया सर, कितने लोग थे इसमें? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के आदेशानुसार थाना प्रभारी मीरगंज दयाशंकर ने कल उप निरीक्षक राजदीप और जितेंद्र को NPW की तामीला के लिए भेजा था और सघन रात्रि गश्त के लिए भेजा था ताकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। इन लोगों को सूचना मिली मुखबिर से कि गहवारा के पास ग्राम गंगा नदी के किनारे बाग में कुछ लोग अवैध असलहा बना रहे हैं। इस सूचना पर ये लोग अपने फोर्स के साथ दोनों सब इंस्पेक्टर पहुंचे, देखे कि वहां बाग में लोहा पीटने की आवाज़ आ रही है और रोशनी की। एक बार ये लोग दबिश दिए तो वहां कलीम नाम का व्यक्ति जो है असलहा बनाते समय पकड़ा गया। उसके पास से 315 बोर का पूरा बना हुआ कट्टा और 12 बोर का एक अर्धनिर्मित कट्टा और अन्य कट्टे बनाने के लिए जो उपकरण वगैरह होते हैं, पूरी फैक्ट्री का सामान, ड्रिल मशीन, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर वगैरह सब बरामद। सर कितने लोग थे वहाँ पे उपस्थित? दो लोग थे, एक भाग गया। सर कुछ पता चला जो पकड़ा गया उसने क्या बताया था कि इसका कहाँ पे यूज करेगा वो? ये उसका ये कहना था कि लोग उससे संपर्क करते हैं, पंचायत चुनाव में लोग डिमांड करते हैं, इसलिए वो तैयारी कर रहा है। सर आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी आने वाला है, पुलिस के द्वारा क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं इसके लिए? अब थाना प्रभारी द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, बीट आरक्षी को भी एक्टिवेट किया गया है और इससे पहले भी शस्त्रों की बरामदगी थाना प्रभारी द्वारा किया गया था और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में बड़ी मदद। पुलिस के द्वारा निरंतर चेकिंग की जाएगी पूरी क्षेत्र। मंदिर के पास शराबपट्टी खोलने को लेकर चमका हुआ हंगामा। बरेली थाना कोतवाली क्षेत्र के कड्डी कुइयां में एक देसी शराब की पट्टी है जो कि प्राचीन गणेश मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी यह पट्टी शिफ्ट होकर मंदिर के जस्ट बगल में आ चुकी है, जिसकी जानकारी मिलने पर संस्था पैनी नजर की कार्यकर्ता सुनीता गंगवार अपने समर्थकों पास पास की महिलाओं को लेकर नई भट्टी के विरोध में वहां पहुंच गई। भट्टी खुलने के विरोध को लेकर जमकर महिलाओं ने प्रदर्शन के साथ नारेबाजी की। काफी समझाने के बाद भी महिलाओं ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। लगातार महिलाओं की भीड़ बढ़ने के साथ ही माहौल खराब होने की आशंका पर पुलिसकर्मी ने इसकी जानकारी आला अधिकारी को दी। सीओ प्रथम दिलीप कुमार कोतवाल कैंट बारादरी प्रेमनगर इंद्रनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं ने बताया, क्या मामला है जो आज यहाँ पर ठंडा पड़ता है? ये मंदिर है, गणेश मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और ये यहाँ पर सब रियासी बस्ती है, घनी बस्ती है। यहाँ पर एक ये बिल्कुल 10 कदम की शराब पट्टी खोली जा रही है। क्या ये उचित है कि यहाँ पर 10 कदम पे शराब पट्टी का खुला और यहाँ पर फिर ये माताएं बहने बेटियां कैसे निकलेंगी? यहाँ पर शराबी रात दिन खड़े रहेंगे। Thank you.
शिकायत की और कली जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। जिला अधिकारी से ऊपर कौन होता है? संज्ञान लिया है संज्ञान, अब जिला अधिकारी महोदय को लेना चाहिए संज्ञान इस पर। जब यहाँ सारी इतना बवाल कल भी कटा है, यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, महिलाएं घरों से निकली हुई है, उसके बाद मीडिया में भी निकला हुआ है, ये तो यहाँ के जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर इतना बवाल वो क्यों नहीं ले रहे हैं संज्ञान। ये सवाल तो उनके ऊपर खड़ा होता है। कुंभ को पर्यावरण युक्त और पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए पर्यावरण गतिविधि ने समाज से आह्वान किया है कि कुंभ के लिए कपड़ों के थैले दान दें, ताकि जो श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार जाएं, उनके एक थैला दिया जाए, जिससे वह वहां किसी प्रकार का पॉलिथीन या अन्य वस्तु वहां न फेंक कर उसको उसी थैले में रखकर कुंभ को साफ सुथरा रखे। गतिविधि के द्वारा ये आह्वान किया गया है। हमारे यहाँ जो हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, पर्यावरण युक्त और पॉलिथीन बनाने के लिए उन्होंने जन जन से सहभागिता की है कि सब लोग अपने कपड़े के थैले लेके जाएं अपने साथ में, और जो भी कूड़ा कचरा वो थैले में वेस्टेज हो थैले में लेके जाए, स्वच्छ को स्वच्छ बनाना है। तो वही उसी के लिए हम लोगों ने थैले बनवा के पर्यावरण गतिविधि के लिए दान किए हैं, जिससे बाकी लोगों को भी ये अवेयर रहे कि हम भी गंदगी ना करें, भारत को स्वच्छ बनाएं, कुंभ को स्वच्छ बनाएं, बस इसीलिए हम लोगों ने ये थैले दान किए। परिंदों के दाना पानी के लिए अजमेर शरीफ के खादिम ने बरेली मुहिम के जरिए चलाया जागरूकता अभियान। विश्व पक्षी दिवस की मांग को लेकर अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा करीम नवाज के खादिम बरेली पहुंचे। बरेली की खानकाह नियाजिया में आज अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा करीम नवाज के खादिम सैयद उस्ताद चिश्ती ने बढ़ती गर्मियों को ध्यान में रखते हुए परिंदों की सेवा के लिए 7 साल पहले इस मुहिम की शुरुआत दरगाह ख्वाजा करीम नवाज से की। जी, मैं सैयद उस्ताद चिश्ती, खादिम करीम नवाज, एक एनजीओ छोटी सी सर्वधर्म एकता समिति उसका अध्यक्ष हूँ। और मुहिम ये है कि पूरे इंडिया में जिस तरीके से जो कौल गरीब नवाज है, खिदमत खल्क भी अफजल इबादतों में से इबादत है, वैसे ही अल्लाह ताला की मखलूक जो चिड़िया अरिंदे परिंदे, उनके लिए गर्मी में पानी का इंतज़ाम करना, और ख्वाहिश ऐसी है, कोशिश ऐसी है कि ये राष्ट्रीय दिवस घोषित हो जाए, जैसे रोज़ डे होता है, वैलेंटाइंस डे होता है, या फादर्स डे या मदर्स डे, ऐसे एक पक्षी डे हो जाए जो ध्यान में रहे लोगों को कि पक्षियों को पानी की ज़रूरत पड़ती है गर्मी में। कुछ जिस मकसद से जो तशरीफ़ लाए हैं साहबजादे साहब आताना गरीब नवाज से, उनको कामयाबी तो फैले मोहम्मद आला मोहम्मद, और जो ये जिस नेक मकसद से आए हैं, क्योंकि जानवर भी मखलूक है खुदा की और उनको भूख प्यास सब चीज़ें हैं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए, तो उसमें तरक्की हो और सब लोग जुड़े इसके साथ में, और तमाम खानकाहों के ज़रिए वसीले से, तमाम खानकाहों से हर मज़हब के आदमी जुड़ हुआ रहता है, इसलिए मेरी दुआ है ये ज़रूर एक दिन नेशनल डे के लिए माना जाएगा, जो जानवरों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और भूख प्यास का ख्याल रखते हुए है। ये अच्छा सवाब का काम है, जो भी इसमें हिस्सेदारी करेगा, हाथ बटाएगा, उसको सवाब में शिरकत करेगा। गुड फ्राइडे प्रेम और बलिदान के अंतिम 7 वचन। गुड फ्राइडे पर 2 अप्रैल को क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में पास्टर सुनील के मसीह द्वारा गुड फ्राइडे का संदेश दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने मानव के द्वार के लिए स्वयं का बलिदान देकर प्रेम व्याप्त किया। क्रूस के 7 वचन है, क्षमा, उद्धार, प्रेम, आत्मिक वेदना के शब्द, शारीरिक दुख उठाना, जय हो के शब्द समर्पण बताया है। पिता ने क्षमा करते हैं क्योंकि जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। पास्टर सुनील मसीह ने कहा कि 7 वचन अर्थात क्रूस की वाणी हर मानव के लिए सबक है। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटक गए थे। मेरा नाम मयंक एम सिंह है। हम लोग यहाँ क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च है, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बरेली का है, और यहाँ पर एक विशेष आराधना हो रही है आज गुड फ्राइडे के उपलक्ष पर, जो कि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर सलीबी मौत सही पूरे मानव जाति के लिए, और केवल हम ईसाई समाज के लिए नहीं, पर हर एक शख्स के लिए इस दुनिया में, हर एक इंसान के लिए उसने आज सलीबी मौत सही, जिसके द्वारा हम अपने गुनाहों से छुड़ाए जा सकें, और हमारे जितने भी अधर्म के काम थे उसने अपने ऊपर ले लिए, और एक सलीबी मौत हम सब के लिए सही। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है, खबरों को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बुलेटिन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।